अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर एटी थ्री को एक्सप्लेन करने लगी हूँ जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन रह गया वो भी इंशाल्लाह साथ साथ आगे पीछे करके सारे क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिए जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट थ्री माइनस वन टू आगे लिखा हुआ है हम लोगों ने किसी कोई सी भी मेरे पास है और उसका हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर्मूला इस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है उससे पहले हमारे पास कोई से थ्री वर्टिसेस दिए होंगे ठीक है अब ये वाली चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर मेरे पास किसी एक पॉइंट से दो लाइंस निकल रही हैं वो उसको कहा जाता है वर्टेक्स और अगर इस तरह के तीन चार साइड्स आ जाएं जिधर एक पॉइंट से दो लाइंस निकल रही हैं फिर एक और पॉइंट है उधर से दो लाइंस निकल रही हैं फिर आगे से कोई दो एक पॉइंट है और उसमें से कह लें कि दो लाइन्स निकल रही है तो इन सबको वर्टिसेस कहा जाएगा अगर ट्राइंगल की तीनों साइड सीखी जाए तो उसमें हमारे पास एक पॉइंट होता है जिससे दो मतलब टोटल थ्री पॉइंट होते हैं और उसमें से लाइन्स निकल रही होती है तो ये हमारे पास इधर वर्टिसेस का वर्ड

जो है अगर तो इसके नेम्स हमारे पास की वन नहीं है ठीक है जैसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पे इसके साथ ए बी सी होता तो फिर हम लोगों को लेट करने की जरूरत नहीं थी लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे ए बी सी या फिर पी क्यू आर या फिर आर एस टी नहीं है तो हम लोगों ने सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेट करना है इसके अकॉर्डिंग ठीक है तो लेट किस तरह से किया जाएगा लेट कर लेना है हम लोगों ने पी थ्री माइनस वन पी थ्री माइनस वन टू को पी मैंने लेट कर दिया इसको क्यू का नेम दे दिया और जो लास्ट वाला था उसको मैंने आर का नेम दे दिया ठीक है अब इसके बाद मैंने फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस ठीक है जब हम लोगों ने इस तरह से फाइंड आउट करने है पोजीशन वेक्टर तो फाइंड आउट करना है तो अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो देखा जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट देख पी से क्यू तक जा रहे हैं तो क्यू वाली वैल्यू में से माइनस कर देना है पी वाले की जो कॉमा से पहले वाली है आई कैप वाली फिर माइनस uh, वन और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू मतलब इस तरह से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास पी क्यू का जो क्वेश्चन uh, सिंप्लीफाई करके आंसर आया वो आया है माइनस टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस वाई के कैप ठीक है थीके? इसके अकॉर्डिंग अब मैंने फर्दर अगर मूव करूँ तो यहाँ पे देखिए तो मैंने पी क्यू फाइंड आउट किया है हर क्वेश्चन में आपके पास कोई से दो पोजीशन वेक्टर्स हमें पता होने चाहिए ठीक है तो इस तरह से ही फाइंड आउट करने हैं तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है पी आर भी मेरे पास हम लोगों ने आर माइनस पी मतलब आर वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे पी वाली वैल्यू आई कैप में फिर माइनस थ्री प्लस वन कर देना है जे कैप प्लस वन माइनस टू के कैप इसका भी सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप ठीक है हमारे पास कोई से दो पोजीशन वेक्टर्स आ गया पी क्यू भी आ गया पी आर भी आ गया फर्दर की हम लोगों को जरूरत नहीं है ठीक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में हम लोगों को बाकी की जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट मैंने लिखा है जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास वैल्यूज़ देखें तो इस तरह से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है वन बाई टू पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ठीक है ये आप अगर uh, uh, कह लें वैक्टर्स की फॉर्म में देखें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब यह है कि जो मेरे पी क्यू और पी आर का जो सोल्यूशन uh, 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 आया है उसको हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट उसका लेना है ठीक है उसका क्या कर देना है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि ऊपर आई जे के वैल्यूज़ आएंगी ऊपर फिर सेकंड में पी क्यू की वैल्यू आएगी और नेक्स्ट में पी आर की वैल्यू आएगी और इनका हम लोगों ने थ्री क्रॉस थ्री का इस तरह से डिटर्मिनेट लिख देना है ठीक है अब यहाँ पे बाई मिसटेक जो है मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है ये इधर आप लाइन्स लगाएं या आप मैग्नीट्यूड की लगा दें ठीक है मतलब हम लोगों ने ये खाली क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेना हमने इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है तो ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए हैं इसकी जगह आप इसको मैग्नीट्यूड यूज़ कर लें आगे देखें थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो सिम्प्लीफाई करने के बाद कुछ जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं वो आ गए हैं जीरो माइनस टेन आई कैप माइनस टू प्लस फाइव जे के प्लस फोर माइनस जीरो के कैप इसको सिम्प्लीफाई किया माइनस टेन आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस फोर के कैप जो है ये मेरे पास पी क्यू क्रॉस पी आर मतलब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आया और इसके अलावा हाल ही मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करना जो मेरे पास फाइनल फार्मूला था वो ये था कि इसका हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड लेना है ठीक है तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिया है मैग्नीट्यूड लेने का क्या मैथड है जो मेरे पास आई के साथ वैल्यू है उसको उसका स्क्वायर ले लो जे के साथ का स्क्वायर ले लो और के के साथ जो भी वैल्यूज का स्क्वायर ले लो स्क्वायर्स एक्सपैंड होंगे और हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 100 plus 49 plus 16 अगर इसका सम अप करें तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आता है 165 और इसको फर्दर हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते 1/2 एज इट इज बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही देगा और ये मेरा क्या है फाइनल आंसर है ये थी जी आज की मेरी वीडियो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो इससे फर्दर जितने भी सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी इन वीडियो को अपलोड कर दिया जाए तो तब तक के लिए हाफिज़